अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल हसीब जाफर में खुश आमदीद। गाइस, यूट्यूब की तरफ से 5 कमाल की अपडेट्स आ गई हैं, जिनके बाद अभी यूट्यूबर्स जो कि नए यूट्यूबर हैं या फिर पुराने यूट्यूबर, सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके व्यूज़ इंक्रीज हो जाए और आपकी अर्निंग इंक्रीज हो, यानी कि आपके डॉलर ज़्यादा बने, क्योंकि इन अपडेट्स का डायरेक्ट रिलेशन आपकी अर्निंग से और आपके व्यूज़ के साथ है। अगर हम बात करें सबसे पहली कमाल की अपडेट्स के बारे में, तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो के ऊपर येलो डॉलर आ जाता है, यानी कि येलो साइन आता है, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग कम होती है, आपकी वीडियो पर ऐड कम शो होते हैं। तो हम उसको रिजोल्व करने के लिए अपने कंप्यूटर में जाते थे या फिर अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ओपन करते, उसके अंदर डेस्कटॉप मोड में जाकर ही उसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी यूट्यूब की तरफ से अपडेट आ चुकी है, आप तमाम काम अपने YT स्टूडियो में कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब अभी आपको तमाम का तमाम मोबाइल पर मूव कर रहा है, आपके लिए रिलायबल बना रहा है कि आप लोग ये तमाम चीजें यूट्यूब की सेटिंग वगैरह अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अभी आप अपने येलो डॉलर को अपने YT स्टूडियो से ही रिजोल्व कर सकते हैं, यानी उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी अपडेट हैशटैग ट्रेंडिंग के बारे में, जिस तरह आप लोग अगर एक्सप्लोजर में जाए तो वहां पर आपको वीडियो के बारे में आ रहा होता है कौन सी ट्रेंडिंग में जा रही है, कौन सी शॉर्ट ट्रेंडिंग में जा रही है, इसी तरह अभी आप लोगों को वहां पर हैशटैग भी ट्रेंडिंग वाला नजर आएगा कि इस वक्त अभी कौन सा हैशटैग है जो भी ट्रेंड कर रहा है। आप उसके ऊपर अपनी वीडियो बना सकते हो, उसके ऊपर आप लोग ज्यादा व्यूज ले सकते हो। ये वाला काम पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पर होता था, जैसे कि ट्विटर वगैरह में हैशटैग ट्रेंडिंग में जाते थे, लेकिन अभी यही काम आपके यूट्यूब में भी होगा और आपके व्यूज को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। तीसरी अपडेट आपके चैप्टर के बारे में, जो कि आप अपनी वीडियो के ऊपर 1x1 लगा सकते हो, ये आपकी वीडियो के रीच को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन अभी ये तमाम काम आप एक ही टाइम में कर सकते हो, यानी कि एक ही टाइम में तमाम वीडियोस के ऊपर आप चैप्टर लगा सकते हो। सिंपल अपने YT स्टूडियो में जाएं, तमाम वीडियो को सिलेक्ट करें जिनके ऊपर आप लोग चैप्टर लगाना चाहते हैं, और वहीं पर आपको एक्शन में नजर आएगा कि आप लोग चैप्टर ऑन कर सकते हो। ये तमाम काम आप बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हो, जैसे आप लोग वीडियो अपलोड किया करें तो हर वीडियो के ऊपर ऑटोमेटिक लग जाए। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग इसको ऑटोमेटिक रख देंगे, जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसके ऊपर चैप्टर खुद ही लगे, क्योंकि चैप्टर से आपकी रीच बढ़ती है, आपकी वीडियो सर्च में ज्यादा आती है। फोर्थ अपडेट वीडियो इनसाइट की है, यानी कि आप लोग अपनी वीडियो का एनालिटिक चेक कर सकते हो, कौन सी वीडियोस का आपने अक्सर वीडियो अपलोड करते हो तो बहुत सी वीडियो ऐसी होती है जिनमें स्टार्टिंग के अंदर व्यूज आते हैं लेकिन बाद में उनके व्यूज रुक जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होती है जो कि फॉर एवर ग्रीन होती है, यानी कि आपने आज अपलोड की तो एक मंथ के बाद, एक साल के बाद उसके ऊपर व्यूज फिर भी आ रहे होते हैं। तो यूट्यूब अभी इन वीडियोज को एक सेपरेट कैटेगरी में रख देगा और वहां पर इनका एनालिटिक शो करेगा कि ये कौन सी वीडियो जिनके ऊपर आपकी अभी भी ऑडियंस आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है, क्या सर्च कर रही है। तो अगर आप उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से वीडियो क्रिएट करोगे तो आपको व्यूज ज्यादा आएंगे, उसके ऊपर ज्यादा सर्चेज आएंगी, आपकी रीच ज्यादा होगी। फिफ्थ और लास्ट अपडेट आपके एड्स के बारे में, जिस तरह आप लोग अपने एडसेंस के अंदर एड लिमिट लगा सकते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर कौन कौन से एड शो हों या कौन से एड नहीं शो होने चाहिए, इसी तरह कुछ चैनल MCN से कनेक्टेड होते हैं तो अभी उसके ऊपर भी ऑप्शन आ गया है कि उसके ऊपर भी आप लोग एड की लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि MCN के ऊपर तमाम एड शो होते थे लेकिन आज के बाद वहां पर भी आप लिमिट लगा सकते हो कि कैसे एड शो होने चाहिए या कौन से एड वहां पर शो आपकी वीडियो पर नहीं होने चाहिए। तो गाइस, इनमें से कौन सी अपडेट आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी तमाम वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।